वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। इन दिस लेक्चर, जैसा कि आप सभी को पता होगा, फेसबुक ग्रुप पे मैंने ये बात 2 दिन पहले ही डाल दी थी कि हम लोग एसएससी सीजीएल और आईबीपीएस एग्ज़ाम्स को 100 डेज और 90 डेज में इसके पूरे सिलेबस को कैसे ख़त्म करें, उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को डेली अपडेट्स दूंगा फेसबुक पे। क्लियर? तो जिन लोगों ने अभी तक फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है, उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग भी सब लोगों के साथ प्रिपेयर करना चाहते हो 100 डेज पे एसएससी सीजीएल का और 90 डेज पे आईबीपीएस पीओ क्लैरिकल, ठीक है। अब एसएससी में सीएचएसएल, दिल्ली एसआई, सीपीओजी सारे एग्ज़ाम्स आप लोगों के कवर है, ठीक है। और आईबीपीएस के अंडर आप लोगों का आईबीपीएस पीओ क्लैरिकल, एसबीआई पीओ, ठीक है, ये सारे एग्ज़ाम्स उसी के अंदर कवर हो जाते हैं। क्लियर? क्योंकि एसएससी का अपना एक सिलेबस है जो कि सारे एग्ज़ाम्स पे वो पूछता है, और आईबीपीएस का एक अपना अलग सिलेबस है जो कि वो सारे एग्ज़ाम्स पे पूछता है। क्लियर? तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग 100 डेज एसएससी के लिए एग्ज़ाम्स के लिए और 90 डेज आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे। क्लियर? कैसे आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, कौन से दिन पे क्या पढ़ना है, ये सारी रिलेटेड, इससे सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी पे डेली इसके अपडेट्स मिलेंगे। क्लियर? कोशिश मैं ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं अपनी स्ट्रैटेजी आप लोगों को बता पाऊँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ, कि मैं कैसे ये 100 डे का शेड्यूल बनाऊँगा, और अगर इस पे कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, अगर आप लोगों को लगता है कि इस पे हम लोग कुछ और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप लोग अपने कमेंट्स या तो फेसबुक के ग्रुप पे लिख दीजिए या तो यूट्यूब पे जहाँ पे कमेंट करते हैं आप लोग वहाँ पे लिख दीजिए। क्लियर? उन सारे कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा और उसके बाद हम लोग मंडे से, मीन्स संडे नाइट, क्लियर, संडे नाइट को आप लोगों को अपना डे वन का टाइम टेबल मिल जाएगा एसएससी सीजीएल के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी, और आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी। क्लियर? ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों के पास आज का दिन है और कल का भी पूरा दिन है, कल का पूरा दिन है मीन्स कल नाइट तक आप लोग जो भी आप लोगों के सजेशन होते हैं वो पक्का से लिख देना। क्लियर? अगर आप लोगों को लगता है कि जो मैंने सोचा है इससे भी कुछ अच्छा हम लोग कर सकते हैं। क्लियर? ओके, अब मैं बताता हूँ मैंने क्या डिसाइड किया है। सी, अब बेसिकली अगर एसएससी की मैं बात करूँ, ठीक है, एसएससी का हम प्री लेवल तक का ही देख रहे हैं अभी, ठीक है, मेंस पे ज़्यादा कुछ नहीं है। प्री क्लियर होने के बाद मेंस के प्रिपरेशन करने के लिए काफ़ी टाइम रहता है। क्लियर? क्योंकि मेंस के लिए आप लोगों को कुछ ही टॉपिक एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं। क्लियर? मैं पहले एसएससी का डिस्कस करता हूँ, फिर आईबीपीएस पीओ का भी डिस्कस करता हूँ। क्लियर? ओके, देखो एसएससी पे चार टॉपिक आते हैं। मैथ्स, इंग्लिश रीजनिंग और जीके। क्लियर? सी, मैथ्स का तो लगभग हम सारा सिलेबस कवर कर ही चुके हैं, ठीक है, 2-4 टॉपिक है वो भी मीनवाइल मैं बना ही दूंगा। क्लियर? तो मैथ्स के तो मैं आप लोगों को वीडियो के लिंक्स दे दूंगा, लाइक सपोज मैंने स्टार्ट करा चैप्टर परसेंटेज से, तो परसेंटेज में डे वन का सिलेबस ऐसा होगा कि परसेंटेज के 3 वीडियोस आप लोगों ने देखने हैं, और जो भी बुक लो आप लोग फॉलो कर रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व कर लेने हैं। क्लियर? ठीक है, इस टाइप से होगा मैथ्स का सिलेबस। क्यों? क्योंकि मैथ्स के तो लगभग आप लोगों के हमारे पास सारे वीडियोस बने हुए हैं ना, तो मैथ्स पे इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो मैथ्स का तो मैं वीडियो का लिंक पोस्ट कर दूंगा,
ठीक है। और बाकी जो बुक्स तो मैंने आप लोगों को रिकमेंड करे हुए हैं, क्लियर, जिन लोगों को अभी तक नहीं पता मैथ्स के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी है एसएससी सीजीएल के लिए, वो फेसबुक के ग्रुप पे मैं दोबारा से लिंक डाल दूंगा, क्लियर। आप लोग वहां से वो बुक परचेज कर लीजिए, मार्केट से या अमेजन से, जहां से भी आप लोग परचेज करना चाहते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा, क्लियर। मैथ्स का ऐसे हम लोग डिसाइड करेंगे, मींस वीडियो के मैं आप लोगों को लिंक देता रहूँगा और उन वीडियो से आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, क्लियर। ओके, इंग्लिश के लिए क्या करेंगे आप देखो, इंग्लिश के लिए सी ग्रामर तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है ना। तो ग्रामर तो आप लोगों का ये टाइम टेबल से अलग ही चलता रहेगा, मींस जो ग्रामर है वो तो चलता रहेगा। मैं क्या करूँगा, इंग्लिश के लिए 15 वर्ड्स डेली डाल दूंगा और 5 प्रोवर्ब्स, ठीक है। 15 वर्ड्स मैं डेली आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो डाल दूंगा। तो 15 × 100 करोगे तो आपके पास लगभग 1500 वर्ड्स हो जाएंगे इम्पोर्टेंट वर्ड जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्लियर। इन्हीं वर्ड के अंदर आप लोगों का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एंटोनिम सिनोनिम सब कवर हो जाएगा, क्लियर। और 5 प्रोवर्ब्स एक दिन के डालूंगा तो आपके पास लगभग लगभग 750 प्रोवर्ब्स आप लोगों को याद हो जाएंगे, नहीं 750 नहीं, कितने हो जाएंगे, 500 प्रोवर्ब्स याद हो जाएंगे, क्लियर। और 500 प्रोवर्ब्स बहुत है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए, क्लियर, ठीक है। अच्छा, ग्रामर का क्या करते हैं, ग्रामर का आप लोग वीडियो तो देख ही रहे हो, ठीक है। वीडियो अपलोड होते ही है ग्रामर के, साथ ही साथ मैं एक लिंक डाल दूंगा ग्रामर का भी, क्लियर, जो एकदम यहाँ बेस से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि उन लोगों को फ़ायदा हो जाए, ठीक है। ग्रामर के एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा मैं, आप लोगों ने वो वीडियो देखना है और उसी वीडियो के हिसाब से प्रिपेयर करना है, नोट्स बनाना है और प्रैक्टिस करना है, क्लियर। ओके, अभी कुछ दिन तक, मीन्स जब तक हम लोगों का ग्रामर ख़त्म नहीं हो जाता तब तक क्या करेंगे हम लोग, जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो में डिस्कस करूंगा, मीन्स इन 100 दिनों के अंदर आप लोगों का सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी डिस्कस हो जाएगा, क्लियर, इंग्लिश का, ठीक है। ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप लोगों को रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या करना है, आप लोगों ने न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना स्टार्ट करना है, क्लियर, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग अगर क्लियर कर लेते हो मेंस के बाद, थर्ड पे आप लोगों का राइटिंग स्किल भी चेक होता है थर्ड पेपर में, क्लियर, ठीक है। ओके, और रीडिंग के लिए सी रीडिंग के लिए एडिटोरियल सेक्शन, कोई भी आप लोग न्यूज़पेपर उठा लो, ठीक है, उस न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन को देख लो, द हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन देख लो, टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल सेक्शन देख लो, कोई भी न्यूज़पेपर का आप लोग एडिटोरियल सेक्शन से रीड कर लो। कितने मिनट रीडिंग करनी है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्लियर, ठीक है। ओके, रीजनिंग के लिए, अब देखो एसएससी सीजीएल के रीजनिंग बहुत ही आसान होते हैं, क्लियर। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग और थोड़े बहुत वर्बल नॉन वर्बल एज इस टाइप वाले प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है ना। तो कोडिंग डिकोडिंग तो बहुत ही सिंपल है, बाकी जो नॉन वर्बल के जो और क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, क्लियर। तो रीजनिंग का भी वैसे मैं आप लोगों को टॉपिक बता दूंगा और धीरे धीरे हम लोग रीजनिंग भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, अपने यूट्यूब के चैनल पे, क्लियर। तो 100 डेज़ के अंदर रीजनिंग पे ज़्यादा नहीं, मुश्किल से मुझे 10 लेक्चर भी नहीं बनाना है, ठीक है, 10 लेक्चर में पूरा रीजनिंग कवर हो जाएगा ईजिली। एसएससी सीजीएल पे जो आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं ना उनके ऊपर 10 10 लेक्चर पे पूरा रीजनिंग ख़त्म हो जाएंगे और आपके पूरे 25 के 25 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, क्लियर। ओके, जीके के सेक्शन के लिए क्या करने वाले हैं, जीके के सेक्शन को देखो, अब जीके में आप लोगों का साइंस है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक जीके है, ठीक है, हिस्ट्री है, क्लियर। तो जीके में मैं क्या करूँगा, जीके में मैं आप लोगों को टॉपिक बता दूंगा, क्लियर, कि भाई
इस दिन आप लोगों ने पॉलिटी का ये टॉपिक करना है, ज्योग्राफी का ये टॉपिक करना है, बायो का बायो से ये टॉपिक करना है। क्लियर? इस टाइप से मैं आप लोगों को जीके के टॉपिक बता दूंगा। क्लियर? ठीक है, समझ गए ना? मैथ्स के लिए वीडियो लिंक्स मिल जाएंगे आपको, और प्रैक्टिस आप लोगों ने कहाँ कौन से बुक से करनी है वो मैं पोस्ट कर दूंगा। क्लियर? इंग्लिश 15 वर्ड्स डेली मैं आप लोगों को दे दूंगा, 5 प्रोवर्ब्स मैं दे दूंगा। क्लियर? और एक आप लोगों के लिए ग्रामर का लिंक दे दूंगा मैं, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप लोग कोई भी न्यूज़पेपर से कितना टाइम किस दिन पे पढ़ना है ये मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्लियर? सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ये सब जो भी होते हैं वो हम लोग धीरे धीरे अभी ग्रामर्स पे आगे ये भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, वैसे भी 100 डेज़ का शेड्यूल है हम लोगों का, तो वो ईजिली कवर हो जाएगा। क्लियर? रीजनिंग, रीजनिंग का मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैं आप लोगों को टॉपिक बताऊंगा, आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। अगर उस टॉपिक में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है तो वो टॉपिक हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। क्लियर? ठीक है, वैसे भी रीजनिंग के लिए ज़्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि रीजनिंग आप लोगों की ईजी होती है, और जब हम मॉक प्रिपेयर करेंगे 80 डेज़ के सिलेबस ख़त्म करने के बाद, 20 डेज़ तक जब हम लोग लास्ट में मॉक करेंगे, तो उस टाइम पे रीजनिंग के दो दो तीन तीन पेपर करोगे तो रीजनिंग खुद आप लोगों की इम्प्रूव हो जाएगी। क्लियर? जीके पे मैं आप लोगों को टॉपिक पोस्ट कर दूंगा कि कौन से टॉपिक से आप लोगों ने पढ़ना है। क्लियर? और ध्यान रखना कि एक दिन का भी शेड्यूल आप लोगों का मिस नहीं होना चाहिए। क्लियर? और क्योंकि ये शेड्यूल इस हिसाब से बना गया है कि आप लोगों का एक दिन मिस हो जाता है तो आप लोग एक दिन पीछे हो जाओगे। क्लियर? मतलब अगर मैं तीसरे दिन का मेरा सिलेबस छूटता है, ठीक है, तो मैं तीसरे दिन, अब मेरा चौथा दिन शुरू हो जाएगा ऑनलाइन गुरुजी का, आपका तीसरा रह जाएगा, तो आप लोग एक दिन पीछे हो जाओगे। क्लियर? कोशिश ये करना है, ठीक है, मैं आप लोगों को जैसे 15 दिन के बाद एक दिन का गैप भी दूंगा। क्लियर? अगर कोई एक दिन के गैप से पीछे है तो वो उस गैप को कवर कर पाए, ठीक है, बाकी लोगों के लिए रिवीजन के लिए भी आप लोगों को सफिशिएंट टाइम मिलेगा। क्लियर? तो बट ट्राई ये करना है कि पीछे नहीं रहना है, ठीक है, चाहे जो भी हो जाए। जो आप लोगों को टाइम टेबल पोस्ट किया जाएगा, आप लोगों को डेली जो शेड्यूल अपलोड किया जाएगा फेसबुक पे, आप लोगों ने जैसे भी करके उस शेड्यूल को फॉलो करना है। क्लियर? ओके, ये तो हो गया अब SSC वालों के लिए। ठीक है, अब IBPS PO वालों के लिए क्या है देखो, ठीक है, एक्चुअल में मुझे धीरे बोलना पड़ रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त, क्योंकि मैं अभी अपने घर पे नहीं हूँ कि मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँ। क्लियर? तो अभी मैंने जब वीडियो पोस्ट किया था तो किसी ने लिखा था, सर आपकी तबीयत खराब है। तबीयत खराब नहीं है, मैं खुद ही धीरे बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो IBPS के एग्जाम्स पे करंट अफेयर, या बोल दो GK का सेक्शन, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, और कंप्यूटर। ठीक है, अब IBPS के एग्जाम्स पे आप लोगों के ये 5 टॉपिक है। क्लियर? ओके, देखो मैथ्स तो जैसे जैसे SSC CGL के मैथ्स आते रहेंगे, क्लियर, बट आप लोगों के मैथ्स थोड़े अलग होंगे। क्लियर? क्योंकि उस पर हायर मैथमेटिक्स, एलजेब्रा, मेंसुरेशंस, टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री वो सब आती है, IBPS PO पे वो नहीं आता। क्लियर? तो IBPS PO पे उस टाइम पे हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशंस करेंगे। क्लियर? जिस टाइम पे हम लोग SSC CGL पे हायर मैथमेटिक्स पे जाएंगे, उस टाइम पे हम लोग IBPS के एग्जाम्स के लिए हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशंस पे जाएंगे। क्लियर? तो मैथ्स तो वैसे कवर हो जाएगा। क्लियर? कंप्यूटर के लिए मैंने आप लोगों को बुक रिकमेंड किया था PK सिन्हा, ठीक है, आई गेस गूगल में उसके PDF फाइल्स भी अवेलेबल हैं उन बुक के, तो आप लोग गूगल से उसे सर्च कर लेना। मैं डेली आप लोगों को PK सिन्हा से टॉपिक बता दूंगा, कौन सा टॉपिक आप लोगों ने पढ़ना है। क्लियर?
रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग पे IBPS PO पे सिलॉजिज्म हम लोगों ने कवर कर रखा, सिटिंग अरेंजमेंट हम लोगों ने कवर कर रखा, ठीक है, नॉर्मल अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर रखे हैं, ठीक है। आप लोगों का ये क्या होता है, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट हम लोगों ने कवर कर रखा है, तो वो वीडियोस के लिंक मैं आप लोगों को भेज दूंगा। और मैं आप लोगों को साथ ही साथ ये भी बता दूंगा कि इस टॉपिक पे आप लोगों ने कितना क्वेश्चन करना है उस दिन। सपोज मैंने बोला सेटिंग अरेंजमेंट का, मैंने आप लोगों को एक वीडियो पोस्ट किया, तो मैं बता दूंगा कि हाँ एक तो ये वीडियो का क्वेश्चन करना है और इसके साथ आप लोगों ने आज चार सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सिलॉजिज्म पे कैसे कवर करना है वो सब मैं बता दूंगा, क्लियर। इंग्लिश के लिए देखो ग्रामर हम कवर कर रहे हैं, जिस हिसाब से SSC CGL का ग्रामर होता रहेगा आप लोगों का भी ग्रामर होता रहेगा, ठीक है। रीडिंग पे SSC CGL के मुकाबले आप लोगों को ज़्यादा रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, क्लियर। तो आप लोगों पे रीडिंग के लिए मैं ज़्यादा टाइम दूंगा, ठीक है। SSC CGL वालों को अगर मैं 30 मिनट्स देता हूँ तो मैं आप लोगों को 1 घंटे की रीडिंग दूंगा, ठीक है। और आप लोगों ने रीडिंग पे क्या एडिटोरियल के साथ साथ इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन भी पढ़ना है, वो मैं बता दूंगा आप लोगों को कौन कौन से सेक्शन को पढ़ना है और कौन से न्यूज़पेपर से पढ़ना है, क्लियर। और करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स देखो अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और इस बार के IBPS PO के लिए मैं अपना करेंट अफेयर भी कैप्सूल टाइप का एक मैं भी आप लोगों को दे दूंगा स्कैन करे हुए नोट्स, ठीक है, क्लियर। आप लोगों का करेंट अफेयर वहीं से कवर हो जाएगा। स्टैटिक जीके के लिए क्या है, RBI के FAQs है, ठीक है, आप लोगों ने वो FAQs ही पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं कैसे पढ़ने हैं वो सारे मैं आप लोगों को डेली शेड्यूल पे बता दूंगा, क्लियर। कि आज क्लियरिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, आज पेमेंट के बारे में पढ़ना है, आज NBFCs के बारे में पढ़ना है, ठीक है, क्लियर। वो क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। बुक अगर कोई रिकमेंड करने की ज़रूरत पड़ी तो वो बुक भी मैं आप लोगों को रिकमेंड कर दूंगा, क्लियर। आप लोगों ने बस ये करना है कि डेली का अपना टाइम टेबल शेड्यूल फॉलो करना है, उसे टूटने नहीं देना है, क्लियर। क्योंकि टाइम टेबल टूट गया एक दिन तो फिर उसे कवर अप करना मुश्किल होता है, क्लियर। इंग्लिश की वोकैबलरी आप लोगों की हो जाएगी, प्रोवर्ब्स सी IBPS PO वालों को प्रोवर्ब्स करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोवर्ब्स पूछे नहीं जाते तो क्यों करने, ठीक है ना। रीडिंग, रीडिंग पे ध्यान देना है आप लोगों ने, वोकैबलरी अपनी इम्प्रूव करनी है, और आप लोगों का ये आता है पैरा जंबल आता है ना, तो पैरा जंबल के ऊपर भी एक लेक्चर बना देंगे, उस पर डिस्कस कर लेंगे। एक ही क्वेश्चन डिस्कस करना है मैंने, आप लोगों ने उसी कंसेप्ट को सारे क्वेश्चंस पे यूज़ करने हैं, क्लियर। तो इस तरीके से मैंने सोचा है कि हम लोग SSC और SSC 2017 और IBPS 2017 को हम लोग टारगेट करेंगे, ठीक है। 100 डेज पे एक बार हम लोग गो थ्रू पूरा सिलेबस कर लेंगे, IBPS का सिलेबस हम लोग 90 डेज में पूरा गो थ्रू कर लेंगे, और उसके बाद जितना टाइम बचेगा उस पर आप लोग क्या कर सकते हो, मीन्स अगर हम 90% तक कवर करते हैं इन सारे दिन पे, तो आप लोगों के पास जो टाइम बच जाता है, काफ़ी टाइम बच जाएगा, तो उन टाइम पे आप लोगों ने अपने आप को 100% प्रिपेयर कर लेना है, क्लियर, ठीक है। ओके सर, अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो अपने सुझाव या तो फेसबुक के ग्रुप पे लिख दीजिए, ठीक है, या तो यूट्यूब पे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक फेसबुक के ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, वो पहला कमेंट जो होगा, क्लियर, जो पिन कमेंट होता है, मैंने वहाँ पिन कमेंट पे अपने फेसबुक के ग्रुप के लिंक को डाल दूंगा, ठीक है। आप लोग उसे क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो अगर आप लोग ऐसे नहीं कर सकते तो गूगल पे अगर आप लिखते हो ऑनलाइन गुरुजी, ठीक है, तो वहाँ पे ऑनलाइन ऑनलाइन गुरुजी फेसबुक लिखोगे तो वहाँ पर भी आ जाएगा आप लोगों को, क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से पूरा प्लान आउट करेंगे हम लोग, और होपफुली जो भी लोग पूरे डेडिकेशन के साथ इस शेड्यूल को फॉलो करेगा, होपफुली उसका पक्का से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट कॉन्फिडेंस लेवल तो काफ़ी हाई रहेगा आप लोगों का एग्ज़ाम्स को लिखने के टाइम पे, ठीक है। और अगर आप लोग मेहनत करोगे तो सी ऐसा हो सकता है कि आप लोग बहुत मेहनत करोगे, ठीक है, एक बार फेल हो जाओ, बट ऐसा नहीं होगा कि आप बार बार फेल होंगे, क्लियर। अगर आप लोग मेहनत करते हो, फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ते हो, तो जो कहते हैं ना, गॉड भी उन लोगों की मदद पक्का करता है, क्लियर। तो खुद पे ट्रस्ट रखना है, मेहनत करना है, एग्ज़ाम्स पक्का से क्लियर हो जाएंगे, क्लियर। ओके सर, थैंक यू।